यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मौजूद है शैडो सुरक्षा भी आपने दे रखा है, अब किस नतीजे पे आप लोग पहुंचे हैं कि क्या अब सामान्य स्थिति है ड्रिफ्टिंग फैमिली के लिए और क्षेत्र के लिए? देखिए, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां किए गए हैं और लगातार पीड़ित परिवार से भी स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है संपर्क में है और आसपास के जो गांव के लोग भी हैं उनसे भी शांति वार्ता की अपील की जा रही है। और अभी दो दिन पूर्व ही जो पड़ोस के गांव हैं वहां पर सीओ और एसडीएम द्वारा एक पीस कमेटी की मीटिंग भी की गई, जहां पे जो मौजूद लोग हैं समाज के उनसे ये अपील की गई कि किसी भी तरह के जो है र्यूमर में अफवाहों पर ध्यान ना दें और आपसी जो अमन चैन है उसे कायम रखें और बाकी जो भी आगे की कार्रवाई है वो निष्पक्ष रूप से होगी। इस हिसाब से भी पूरी तरह से यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम है और तनाव की स्थिति भी धीरे धीरे दूर हो रही है। गांव के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं आज भी वहां पर पुलिस बल मौजूद है, क्या आपको लगता है कि अभी भी गांव और गांव के आसपास के क्षेत्र में पंचायत होने जैसी कुछ संभावना है जिसको आप लोग होने देना नहीं चाहते हैं या नहीं होगी कोई पंचायत अब? देखिए, हाल के कुछ दिनों में अगर हम देखें इसका अनुभव तो अभी पूर्व में कुछ दिनों में कोई इस तरह की पंचायत नहीं हुई है और हम लगातार इस तरह की चीजों को डिस्करेज कर रहे हैं संवाद के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से। एहतियातन फोर्स जरूर लगाई गई है और टाइम टाइम पे निरंतर रूप से इसकी समीक्षा भी उच्चाधिकारियों द्वारा की जाती है, जरूरत पड़ने पे उसमें कम और ज्यादा भी किया जाता है। बीच बीच में प्रतिनिधिमंडल अभी भी कुछ कुछ आ रहे हैं जो पीड़ित परिवार से मिलते हैं तो उनको सम्मान उनसे मिलवाया भी जाता है ताकि वो अपनी बात रख सकें। इस हिसाब से सारा जो है ये कार्यक्रम सकुशलतापूर्वक चल रहा है। तो जो थ्री लेयर सिक्योरिटी आपने वहाँ बना रखा है उसमें आप ढील देंगे या एज इट इज रहेगा? अभी तो देखिए पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था इनकी सुदृढ़ रहेगी और जो भी बेहतर से बेहतर संभव हो सकेगा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने के लिए वो सुविधा उन्हें उपलब्ध कराएगी।